सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ विकास, और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक और नई और मजेदार एप्लीकेशन के बारे में। दरअसल ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वेंकैया नायडू, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स एप्लीकेशन की, जो कि ये क्लेम करती है कि ये एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो ना, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सारी एप्लीकेशन का काम आप एक ही ऐप के थ्रू कर सकते हो, आपको बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इनको रिप्लेस करने का पूरी तरह से क्लेम करती है। इसके अलावा काफी सारे फीचर्स एप्लीकेशन के अंदर है, और एप्लीकेशन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, इंडिया में बनाई गई है। काफी अच्छा इंटरफेस है। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैंने यूज की है एप्लीकेशन, तो मुझे काफी पसंद आई है। काफी अच्छी चीजें हैं एप्लीकेशन के अंदर, और ज्यादा डीप में आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में आपको दिखा देता हूं। बिना ज्यादा टाइम गए चलते हैं उसकी तरफ। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऐप को, सिंपली आपको जाना है प्ले स्टोर पे, वहाँ से सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना। इंटरफेस आप देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरा, एकदम क्लीन सा इंटरफेस है। दरअसल टेस्टिंग के लिए मैंने गौरव का भी अकाउंट इस एप्लीकेशन पर बना लिया है, तो गौरव का अकाउंट भी आप देख सकते हैं। अब अगर बात करूं सबसे पहले इंटरफेस की, तो आप देख सकते हो यार खुद एकदम कितना साफ सुथरा, एकदम क्लीन सा इंटरफेस है। और कुछ फीचर्स की अगर बात करें, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन की बात करें, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है चैटिंग का ऑप्शन। तो चैटिंग में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गौरव को कुछ मैसेजेस किए थे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से। सबसे पहले अच्छी बात जो मुझे लगती है, यहाँ पे हमारी चैट जो है वो पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैसेजेस की बात करें, तो वो भी काफ़ी अच्छे लेआउट में, मतलब काफ़ी अच्छा UI इसे देखने का मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आपको छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, तो जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो सेंडिंग के लिए अलग आता है। जब मैसेज सेंड हो जाता है तो ये यहाँ पे लिफाफा टाइप का बना आता है, लेकिन ये ओपन नहीं होता है। जब सामने वाला इसको पढ़ लेता है मैसेज को, तो यहाँ पे ये खुल जाता है। तो एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि कुछ इंडिया ने अब की बार नया किया है, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जैसी किसी भी एप्लीकेशन से कुछ कॉपी नहीं उठाया। इसके अलावा कुछ चीज़ें बुरी भी लगी हैं, वो भी आपको साथ साथ बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कॉल हिस्ट्री। तो कॉल हिस्ट्री में एक्चुअली क्या इशू आया, जब कॉल गौरव मुझे कर रहा था, ये मैं गौरव को कॉल कर रहा था, तो कॉल तो हम लोगों के पास में जा रही थी, लेकिन जब हम लोग उसको पिक कर रहे थे, तो कॉल एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अगर मैं बात करूँ ऑडियो कॉल की या फिर बात करूँ वीडियो कॉल की, तो दोनों ही कॉल के साथ में मुझे ये इशू फेस करने को मिल रहा था। अगर बात करें हब वाले टैब की, तो हब टैब के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस मिल जाते हैं। बॉलीवुड का है, शॉपिंग का है, गेम्स का है, स्पोर्ट्स का है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसा आप करते हैं अपने टेलीग्राम के साथ में। तो यहाँ पे आप जाके न्यूज़ पढ़ सकते हैं, कोई भी सेक्शन आप ब्राउज कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे मैगजीन्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड गॉसिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, साथ ही काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अभी चीज़ें हालाँकि कम हो सकती हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी, तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर बात करें नीचे आए गेम्स में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गेम्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से कोई गेम वगैरह अगर चाहो तो वो भी ब्राउज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। नेक्स्ट टैब हमारा आता है सोशल वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें आपको वैसे मिलती हैं जैसे थोड़ी बहुत फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के अंदर आपको मिलती हैं। जब आपके फ्रेंड्स कुछ भी चीज़ें यहाँ पर पोस्ट करेंगे, तो फीड के अंदर आपको वो स्टोरीज दिखेंगी जो भी आपके फ्रेंड्स ने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा डिस्कवर वाला टैब है, तो यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड आपके आसपास के लोग या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं दुनियादारी में, वो सारी आप देख सकते हो बड़े ही आराम से। तो आप काफ़ी अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ में, इवन पूरे वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट कर सकते हो इस ऐप की मदद से। अलर्ट वाले सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किसकी रिक्वेस्ट आई है, वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा एक्टिविटीज़ जो होती हैं जैसे इंस्टाग्राम में, वैसी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा सेटिंग्स की बात करें, तो सेटिंग के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी सारी आपको प्राइवेसी सेटिंग्स भी मिल जाती हैं, और आप सारी ही चीज़ों को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। इवन इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करना या फिर साइनअप करना बहुत आसान है। आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको OTP मिलेगा, इसके बाद में आपको एप्लीकेशन में आपका नाम और आपका पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में आप एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज बस यही था आज के इस एलिमेंट्स ऐप के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली गूगल प्ले स्टोर से। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी पता चल सके कि इंडिया किसी से पीछे नहीं है, इंडिया वाले भी अपनी अच्छी खासी एप्लीकेशन बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं अगर देखा जाए तो। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, या कोई बात वगैरह करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली पूछ सकते हो। मुझसे बात करना चाहते हो पर्सनली, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे मेरे राइट साइड में, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ इन फ्यूचर इसी तरह से रेगुलरली मिलते रहें।
तब तक के लिए गुड बाय।